ओए बुलडोग ओए हिम्मत भाग नहीं भाग नहीं गए वो देखो सामने कुत्ता यार वो पीछे लग गया तो हम लोग बाइक पे बैठ गए देखो भागने के लिए। अबे भाई ये बड़ा खतरनाक कुत्ता ये बड़े मुंह वाला अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग भाइयों कैसे हो आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरा वही गोदाम जो मैंने अभी पिछले ब्लॉग में बताया था अभी तक इसकी हालत वैसी की वैसी है बदली नहीं है। आज के लिए ताज़ा ये है नई खबर ये है कि हम लोग जा रहे हैं करली झील और मेरे साथ कौन कौन है ये देखे हाय कर दो। हेलो दोस्तों क्या हाल है। ये साथ हमारे इमाद भी जा रहा है इमाद को लेके जाएंगे और हम किस में लेके जाएंगे एक पुरानी जो है ना वो याद ताज़ा हो गई अपनी बाइक को देख करके आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों को भी अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा जो कराची टू मेको खास उसमें मेरी बाइक देखी होगी आप लोगों को भी जो है तो याद ताज़ी हो जाएगी। ये देखें ये मेरी बाइक खड़ी हुई है वही सामान मैंने लटकाया हुआ पीछे इसी बाइक पर हम जाएँगे यही पुरानी साथी है पुरानी मेरी जो है हम सफ़र है बहुत अच्छा साथ देती है और इसी के साथ ही जो है हम करली झील जाएंगे। तकरीबन 3-3.5 घंटे का रास्ता है और हम मज़े से आराम आराम से जाएंगे और आप लोग वो भी साथ लेके जाएंगे तो चलते हैं। चलो भाई मिराज चलो 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 भाई चलो भाई देर नहीं करते चलो भाई फिर रास्ते में आपसे मिलते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. भाई अभी हम कराची से निकले हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया अभी हम गुज्जा पहुंचे हैं और गुज्जा में ये नहर थी मैंने बोला चलो ये नहर भी आप लोगों को दिखा देते हैं। साफ़ सुथरा पानी जो कराची में जो पानी जा रहा है ना तो ये पानी जो है कराची पहुंचता है एक ये नहर है एक वो नहर है उस तरफ है दोनों नहरें जो है ना कराची जा रही हैं तो ये जो पानी हम लोग पीते हैं ना वो ये हैं तो यहाँ का पानी जो है वहाँ कराची आता है और हम लोग पीते हैं। तो 8 बजे तक हम कराची से निकले थे और अभी 9:45 हो रहे हैं। अरे डोर फेंकी उसने जाल फेंका जाल फेंका भाई ने अभी देखते हैं क्या पता मछली भी निकाले वो आगे भी शिकार कर रहे हो वो भी कांटा फेंका मीठे पानी वहाँ पर भी शिकार हो रहा है ये मीठे पानी का शिकार हो रहा है इसने भाई ने भी जाल फेंका है आया भाई कुछ नहीं आया वैसे है शिकार है यहाँ पे। अच्छा भाई चले आगे की तरफ निकलते हैं देर हो रही है वक्त से पहले टाइम से पहले पहले पहुँचना है फिर वहाँ से भी निकलना है रात अंधेरा होने से पहले पहले तो भी फिलहाल निकलते हैं ठीक है। भाई हम पहुँच गए ये देखें ये अभी हम कैंजर झील पहुँच गए अभी हमने एंट्री की है अभी हम यहाँ पहुँचे हैं अभी आगे जाएंगे आगे जो है वहाँ पर जो है बहुत शुगल मेला लगा हुआ है और बहुत जो है इंजॉय हो रहा है बहुत रश लगी हुई है तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। चलो भाई आप यकीन करें गर्मी इतनी शदीद हो रही है और यहाँ आने के बाद जो है ना मौसम ठंडा हो गया है ठंडी ठंडी हवा ये रश देखें ये देखो भाइयों रश देखो कितनी रश दुनिया आई हुई है तो चलो हम भी नीचे चलते हैं और जाके एंजॉय करते हैं। ये कि हम यहाँ से नीचे जाएंगे ये ढलान है मेरा भाई लो लो लो। पहुँच गए ये अपनी शहजादी खड़ी हुई है और रश देखो यार पान सारे मीठे पान पतिया ने पान हिमाल मजा आ रहा भाई आ रहा है जाओ जाओ नहाओ ना अच्छा मैं नहीं नहा रहा भाई और कोई नहीं वीडियो बनाएंगे अभी मेरा आज और इमाद दोनों गए ये जूते उतारने की जगह ये बैग ये खड़ी हुई है अपना पूरा सामान वामान कपड़े मपड़े इस पर रख दिए खाने का सामान भी इसी में ही है पानी में बच्चों के नहाने के लिए जिनको तैरना नहीं आता वो ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये हालत देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी गर्मी है बहुत गर्मी है भाई बहुत ज़्यादा मैं बड़ा
बहुत बहुत गर्मी, मैं तो थोड़ा ठंडा हो गया हूँ पानी में जाके। मैं ऐसे ही सही हूँ, हाथ ला रहे हैं उधर जाओ भाई। अभी हमने जगह चेंज की है, देखो हमारे को इतने दिल चाह रहा था करो, मैं चल तो जाऊं, फिर तो जाऊं, कर तो जाऊं, एक साल देर तो जाऊं, तेर तो जाऊं, कराची पहुंच जाओगे देर देर के। तो कराची नहीं है यार, कराची में तेरा नाए नाए ये नहीं यार, ये बार बार चप्पलें उतार के नहीं जाना, अंदर कांच वगैरह भी होती है। ओ चप्पल मेरी बार बार ऊपर तैर रही, मुड़के लगा उसके लिए, अगर कांच वगैरह फेंकी होती है ना पेट पैर कट जाता है, अक्सर हुआ है ऐसा, चप्पल पहन के जाना। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, हद से ज़्यादा। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो अपना इंतज़ाम करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है भाई। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी तक मैं धूप में खड़ा हूँ, देखिए ये मेरी बाइक है और छाँव बिल्कुल नहीं है, इसलिए गर्मी भी मुझे ज़्यादा लग रही है। तो ये जो टेंट लगा हुआ ना सामने, ये खाली है, तो मैं सामने से आया हूँ और सामने से आके मैंने बाइक यहाँ खड़ी की है, तो इन्होंने बाइक खड़ी नहीं करने दी। इन्होंने बोला जी भाई आप किराए पे ले सकते हो तो लो, नहीं तो यहाँ से बाइक हटाओ। मैंने बोला यार धूप है छाँव में खड़ा हूँ, तो नहीं भाई इन्होंने इंसानियत जो ना आँखें सर पर रख ली, इंसानियत नाम की तो चीज़ ही नहीं है इनमें, तो इन्होंने वहाँ खड़ा नहीं करने दिया। मैं अपनी बात नहीं करूँ, किसी को भी वहाँ खड़ा नहीं होने दे रहे। अभी ये जितने भी अंदर बैठे हुए हैं ये सारे आपस में टेंट वाले हैं, आप जाके खड़े होकर दिखा दो, बाइक तो दूर की बात है आप वैसे भी नहीं खड़े हो सकते, अगर आप वैसे भी खड़े होंगे तो आपको वैसे भी हटा देंगे ये कि क्यों खड़े हो, आपने बुक करना है तो बुक लो, बुक करो और आके खड़े हो जाओ या ले लो, लेकिन आप वैसे नहीं खड़े हो सकते। तो ये इंसानियत है इनकी यार। तो आप लोगों को बताने का मतलब ये है कि आप लोग जब भी आएँ तो अपना इंतज़ाम करके आएँ, इनके आसरे पे ना रहें वरना मेरी तरह ख्वार होंगे। तो लिहाजा आप लोग जब भी आएँ अपना इंतज़ाम करके आएँ और मेरी हालत देख लें। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये अपनी शहजादी खड़ी हुई है, मेरा आज ये बैठा हुआ है। हम दूसरी जगह पे आए अभी, कितनी आवाम आई हुई है, लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं, इस तरफ बहुत रश है यार, इस तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा रश है। ये माद आ रहा है, अबे इमाद सर्दी तो नहीं लग रही? हाँ भाई, दोपहर के 3 बज गए हैं और अब हमने इरादा कर लिया, हम वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रास्ते में अंधेरा हो जाए, वक्त से पहले पहले पहुँच जाए, 3 घंटे का सफ़र है। बस अभी निकलते हैं घर की तरफ और टाइम से पहले पहले घर पहुँचने की कोशिश करते हैं और फिर आप लोगों से घर पहुँच के मिलते हैं। चले भाई, हेलो, चलो बहुत ना लिया, बहुत ना लिया, अब घर पे जाके मिलते हैं, आने के बाद छुट्टी आ गई ना। हाँ चलो घर पे मिलते हैं, अभी हम बाइक को रेस्ट दे रहे हैं, 1 घंटा हो गया लगातार चल रहे हैं, गर्मी इतनी है, हमने बोला बाइक को थोड़ा रेस्ट दे दें, गर्म हो गई है, इसको हमने कहा रेस्ट दे देते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इंजन बहुत गर्म हो गया है, जिसकी वजह से हमने बोला थोड़ा इसको रेस्ट दे देते हैं, थोड़ा हम भी हवा खा लेते हैं। देखें छाँव के नीचे खड़े हुए, दरख्त छाँव में हम खड़े हुए और गर्मी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो रही है, लेकिन कोई मसला नहीं, गर्मी तो मुझे वैसी पसंद है। तो अभी हम निकलते हैं और अगर रास्ते में कहीं हम रुके तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ओए बुलडोग, ओए हिम्मत, भाग नहीं, भाग नहीं, भाग गए। वो देखो सामने कुत्ता यार, वो पीछे लग गया, तो हम लोग बाइक पे बैठ गए ये देखो भागने के लिए। अबे भाई ये बड़ा खतरनाक कुत्ता, ये बड़े मुंह वाला बिल्डर। तो बस भाई वो अभी निकलते हैं हम घर की तरफ और फिर जो है घर में पहुंच के आपसे मिलते हैं, और अगर रास्ते में कहीं रुके तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, तो घर जाके मिलते हैं। यार सोचा मच्छी ले लेते हैं लेकिन बहुत महंगी है, मैं इसका सौदा बना रहा था लेकिन इसका सौदा बन नहीं रहा, ज़रा महंगी है। चलो यार, चलो चलो मेरा चलो भाई। चाय पीने के लिए अभी होटल पे रुके हम, गर्मा गर्म कड़क चाय, और इमाद ने जो है मछलियाँ भी ली हैं, ये देखो वाह भाई वाह, आटा डाल रहा है उसको इमाद। बस अभी चाय पी के फिर घर की तरफ निकलते हैं। तो भाई फाइनली हम घर पहुंच गए और नहा धोकर फ्रेश हो गए हैं
तो जब घर पे आए तो पता चला कि एक बच्चों ने छोटा सा प्रोग्राम अपना रखा है, तो मैंने बोला चलो ये भी मौका अच्छा है आप लोगों से शेयर करने का, तो चलें प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं। तालियां ये भी काटो भाई, दो दो बर्थडे एक साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, चलो भाई मिशा हैप्पी बर्थडे टू यू मिशा। अच्छा हैप्पी बर्थडे टू यू लाइबा, चलो हैप्पी बर्थडे टू यू शांजे, हैप्पी बर्थडे टू यू मिशाल, हैप्पी बर्थडे टू यू बंगाली ओ हैदर। इसे भी तो कटवाओ ना यार हैदर से, हैदर काट भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, ये थी एक छोटी सी बर्थडे जो मैंने आप लोगों से शेयर की। जब मैं घर में आया तो पता चला बच्चों का जो है एक प्रोग्राम है बर्थडे का, वो मिशाल की दोस्त थी मिशा, वो अपना केक जो है लेकर मिशाल के पास आई थी, उसने कहा हम साथ अपना जो है ना ये मिलकर जो बर्थडे मेरी ना इंजॉय करेंगे, तो उसी दौरान हम भी घर पहुंच गए। मैंने कहा चलो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बस इसके साथ ही इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अपने भाई को इजाज़त दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।